70 साल में देश गड्ढे में गया 70 साल में। सुनो कुछ नहीं था, ये तुम रंडुआ घूमे रे, तुम रंडुआ घूमे रे 14 से पहले, तुम रंडुए घूमते थे नहीं 14 से पहले बिहाना हुआ, सेना ही ना बजी, हलवाई नहीं आए, मतलब यार हद हो गई, नहीं 14 के बाद ही जवान हुए हो और ब्याह भी 14 के बाद ही हुआ है, क्योंकि इनका जो गुरु है ना वो ये कह देता 35 साल तो मैंने भीख मांगी है, फिर वो प्रधानमंत्री बन गया, फिर वो उसने शादी भी कर ली, पढ़ भी लिया, भी अमेरिका भी घूम आया, मतलब सारे काम कर लिए। मुझे लगता है इनके दिमाग में है गोबर और पानी पीते नहीं, उसकी जगह गाय का पेशाब पीते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं ना आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ा तलिए, वो भी और पढ़ लिख के क्या किया जाए, सब लोग अगर पकौड़ा ही बेचेंगे तो खाने कौन आएगा भाई साहब। 7,000 का 1992 मिलता था आपको, खाली सर यार फेंकने के भी हाथ धोते हैं। आज हमारे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो जो काम किए हैं वो सबको दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं है आज हम भी किने आज नहीं, क्या क्या दिखाई दे रहे हैं सब कुछ देखिए, घर से लेके सुनिए दो चार काम बता दिए, काम तो बताओ। जिस गरीब को आज यही गाजियाबाद के अंदर मैं कह रहा हूँ, जो रोड पर में सोता था आधा से ज्यादा, आज अपना मकान में किन सो रहा है, एक बार मकान दे दिया मोदी जी ने, मोदी जी मकान भी दिया पैसा भी दिए है, मकान दिया पैसा दिया सब कुछ दिया भाई साहब। देखो मैं पहले तो बाबूजी का पहला जवाब दे देता हूँ, ये कह रहे हैं कि काला धन आ गया, 28 गुजराती काला धन लेके गए हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या और एक कारला, एक मेहता फैमिली, मेहुल चौकसी, और मोदी जी ने बड़े बड़े बिजनेसमैनों का कर्ज माफ किया है, ठीक है, एक जी सिनेमा का वो है प्रबंधक मालिक, उसका भी उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिया है, तो ये तो करा है उन्होंने। अब आ गए आप कि गाजियाबाद में लोगों को घर मिला है, ये गाजियाबाद के बेचारे हर जगह मिला ना, गाजियाबाद में कि लोग सोते थे उनको घर मिला और पैसा भी मिला, बात सुनिएगा, आपने कहा पैसा मिला और घर भी मिला, ये जो भाई है ना ये सारे ज़्यादातर 80% सारे किराए पर रहने वाले हैं, और सबकी 10,000 से नीचे तनख्वाह होगी या 10,000 के आसपास होगी, किसी एक को भी घर मिला हो यहाँ ये बता देंगे, अगर इनके जानकारों को भी किसी को घर मिला हो तो हम आपको जो कहेंगे वो हार जाएंगे, अगर एक को भी घर मिला हो क्या बोलेंगे। अब मैं कह रहा हूँ जो अब मैं खा लूंगा, अब मैं झूठ बोलूंगा उससे कुछ नहीं होगा। आपको मिला ये बताइए, आपको मिला? हाँ एकदम मिल गया, यहीं पे मिला। कहाँ पे योजना में? कौन सी योजना में मिला था? अभी जो मोदी जी 2.5 लाख जो दिए है, कौन सी योजना के तहत पूछ, किस योजना के तहत? मकान का पैसा दिया, मकान का पैसा दिए है, जो देखिए गरीब को घर मिला है आज तक किसी किराएदार को, किसको किसी किराएदार को घर मिला है एक भी? और बकवास 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 मीडिया पे साली ये हो रही है कि मैंने 4 करोड़ लोगों को घर दे दिया, पक्की छत दे दी, एक भी नहीं दिया उसने, बकवास कर रहा, 4 करोड़ लोगों को घर दे दिया, एक को भी घर नहीं दिया, किसको नहीं दिया ऐसे आ जाते हैं जैसे किसको नहीं दिया, ये लोग खड़े एक को भी घर, सबको मिला है, सबको मिला है। बेरोजगारी पर क्या बोलेंगे, बेरोजगारी? अब हमको 100 में एक आदमी को नहीं मिला तो किसी को मिलवे नहीं किया, एक है 100 है ये 100 लोग है, ये किसी रिश्तेदार को बता दो किसी को घर मिला हो, हर को मिला, इनको मिला यहाँ पर, ये कह रहे इनको मिल गया, ये खुश है, मिला है। बेरोजगारी महंगाई के बारे में क्या बोलेंगे? बेरोजगारी भी सही है, रोजगार भी सही है, सब कुछ सही है, महंगाई भी नहीं होगी आपके हिसाब से? कुछ नहीं है, 550 रुपए कहाँ से महंगाई है, 1,000 रुपए पेट्रोल मिलेगा तो ले लेंगे आप, 1,000 रुपए पेट्रोल मिलेगा तो? जब तनख्वाह था 550 रुपया तभी कितना महंगाई था, आज 500 तनख्वाह कौन से महीना है, कौन से 92 में, आज नोएडा, हाँ 550 रुपया महीना नोएडा के अंदर आप आज आए हैं, मैं सब कुछ देख करके कि नहीं, उस समय की महंगाई कंपेयर कर रहे हैं, अभी 2024 में 1990 का कंपेयर कर रहे हैं, 92 में जब 550 रुपया सैलरी दे रहा था नोएडा में, ठीक है, आज आप चला जाइए 10,000 से कम कहीं नहीं मिल रहा। सिलेंडर आ जब गैस सिलेंडर कितना, पेट्रोल क्या रेट था? गैस सिलेंडर लेने जाइए, अच्छा 90 में गैस सिलेंडर था नहीं,
नब्बे में मैं नहीं आया था, नब्बे में नहीं आया था। बता दूं मैं 92 का, हाँ, 92 सिलेंडर कितने का? सिलेंडर के लिए फॉर्म भरने जाइए तो 50 बार कहता ये नहीं है कागज, ये नहीं। में सिलेंडर था आपके हिसाब से? 92 में, 92 में सिलेंडर मिलता था आपको? हाँ सिलेंडर। तो सुनिए, 7,000 8,000 किसी 7,000 8,000 सब रंग का सिलेंडर यहीं पर मैं दे रहा था। 1992 में सिलेंडर मिलता था? हाँ मिल रहा था। 7,000 का 1992 मिलता था आपको? खाली सर यार फेंकने के भी हाथ धोती है। सिलेंडर जब बुक करने के लिए आपको पास में सिलेंडर नहीं है, नहीं है तब जब कि आप बुकिंग करवाने बोल रहे 1990 में 70,000 का 7,000 का मिलता सिलेंडर। सिलेंडर को जब मैं बुकिंग करवाने के लिए जा रहे थे तब का बात क्या बोलेंगे? 1990 में 7,000 का सिलेंडर मिलता था। राजा भी मूर्ख, मूर्ख बना रहा पब्लिक को। 4 करोड़ लोगों को छत दे दी उसने, 22 करोड़ लोगों को उन्हें जल दे दिया। तुम्हारे यहाँ जल आया अभी तक? पेयजल आ गया? पानी जल का क्या है? नल जल, नल जल। और भाई साहब मतलब जैसे जैसे इनके गुरु ऐसे चेले चेले नहीं, जो जो गुरु जो गुरु गुरु तो मूर्ख, गुरु तो मूर्ख, चेले महामूर्ख। ये कह रहे हैं कि 592 में सैलरी थी और 7,000 का सिलेंडर, मतलब 7,000 का सिलेंडर बुकिंग करवाते थे लाने के लिए आधार कार्ड पर। तो बहुत बड़ी बात बोल दी, 7,000 रुपए का सिलेंडर था। आज भी मैं पेपर दिखा दूंगा, जब जब लाने गए थे तब पहचान पत्र बोल रहे 500 रुपए कमाते तो 7,000 का सिलेंडर खरीदते थे। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, वो भी 1990 में। एक मिनट, जब मैं किने गए थे यहाँ पर सिलेंडर के, हमारे पास छोटा सिलेंडर था, जब बड़ा सिलेंडर को गए थे लाने, पहचान पत्र दो, आधार कार्ड तो उस समय में था नहीं, पहचान पत्र दो, पहचान पत्र दिए तो अब क्या 200 रुपया दो, अब अथॉरिटी ऑफिस से कागज बनवाऊंगा तब मिले। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देखो भाई साहब ने एक देखो अब देखो ये क्या होता है, एक आदमी होता ना कैलकुलेशन, मोदी जी की भी कैलकुलेशन बिगड़ी हुई है कि 4 लाखों उनके उनकी क्या कैलकुलेशन बिगड़ी हुई है, इनकी भी कैलकुलेशन बिगड़ी है। ये कह रहे हैं कि 92 में 550 अरे 550 रुपये का सिलेंडर मिलता, 550 का सैलरी थी और सिलेंडर मिलता था 7,000, तो 7,000 जोड़ने में उस आदमी को लगते 11 साल, मतलब 11 साल की कमाई वो सिलेंडर में लगा देता था। ये देखो क्योंकि क्योंकि इनका जो गुरु है ना वो ये कह देता 35 साल तो मैंने भीख मांगी है, फिर वो प्रधानमंत्री बन गया, फिर वो उससे शादी भी कर ली, पढ़ भी लिया, भी अमेरिका भी घूम आया, मतलब सारे काम कर लिए, जेल में भी रह लिए, और पता इमरजेंसी में भी उन्होंने बड़ा, और बांग्लादेश वालों के साथ संघर्ष भी करा, मतलब कैलकुलेशन तो बिंदास है इनकी, गुरु की भी और चेलों की भी, चेलों की भी। अपना गुरु का बताइए, आपका किन का? गुरु का बताइए, आपका गुरु कौन है उसको भी बताइए ना, वो कैसा आदमी थे, वो कैसा आदमी थे ये भी तो बताइए। कांग्रेस के बारे में बोल रही है? कांग्रेस के बारे में जो आपका गुरु है उनके बारे में, हमारे गुरु के लिए तो बोले, आप अपना गुरु के बारे में। कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस के बारे में बोलो, देखो हाँ बिल्कुल बताए, जो पास जब वो 7,000 का सिलेंडर मिलता था ना वो कांग्रेस के काल में मिलता था और वो 550 रुपये मिलते थे, और जो ये कैलकुलेशन करने के लिए अलिया तुम्हारे अंदर जो 1-2-3 चला हुआ, हाँ 1-2-1-2-3 जो चला है वो कांग्रेस ने ही डाला, कांग्रेस के स्कूलों में ही डाला हुआ है, और मोदी जी भी जो गए हैं ना पढ़ने 70 साल की जो बात करते हैं वो भी कांग्रेस के स्कूल में ही गए हैं, जितने वो लोग कहते हैं ना 70 साल में क्या किया, 70 साल में यही किया है, 70 साल में तुम्हारे पोतों ने जो पोलियो ड्रॉप लगाए हुए हैं ना वो 70 साल वाले ही हैं, और तुम्हारे तुम्हारे कंधे पे जो लगे हुए हैं ना खसरे के टीके और अनाप शनाप जो टीके लगते हैं वो सारे कांग्रेस के ही लगे हुए हैं, ठीक है? और क्या बताएं, देश को बुराने वाले सबसे पहले कांग्रेस, देश को बर्बाद करने वाले सबसे पहले कांग्रेस, सब कुछ से रोड पर में जनता आता था, कैसे कैसे नहीं था, समझ गए? कुछ नहीं था, देश कहना चार 70 साल में देश गड्ढे में गया, गड्ढे में गया 70 साल में, सुनो कुछ नहीं था,
ये तुम रंडुआ घूमे रे, तुम रंडुआ घूमे रे 14 से पहले, तुम रंडुए घूमते थे नहीं 14 से पहले बिहार ना हुआ, सेना ही ना बजी, हलवा ही नहीं आए, मतलब यार हद हो गई। नहीं 14 के बाद ही जवान हुए हो और बिहार भी 14 के बाद ही हुआ है, अरे देश को कंगाल कर दिया। ये देखो हम, अरे हम क्यों डरते, मोदी जी का पूरा नाम बताइए, नहीं पूरा नाम बताइए, मोदी जी से तुमको डर क्यों हो रहा ये बताओ, वो तो हम काय को डरते। अरे देखो देखो, कांग्रेस की गवर्नमेंट में शादी करवा ली, बच्चे पैदा कर लिए और बुराई करते फिर रहे हैं, और इतना ज्ञान पता ना कहाँ से लाते हैं। इनके दिमाग में जो है ना, मुझे लगता है इनके दिमाग में है गोबर, जो कहते हैं गाय का, और पानी पीते नहीं उसकी जगह गाय का पेशाब पीते हैं, तो कैलकुलेशन इनकी खराब हो चुकी है। इनका 70 साल में देश गड्ढे में गया है, बिल्कुल गया होगा इनके लिए, इनके लिए गया होगा गड्ढा, मतलब इनको ये ही नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि विकास किस चीज़ से होता है, विकास शिक्षा से होता है, स्वास्थ्य से होता है, नौकरियों से होता है। ये सरकार ना रोजगार पे बात कर रही है, ना युवाओं के भविष्य के बारे में बात कर रही है, सिर्फ दिखा रही है टीवी पे कि हमने ये किया वो किया। आज सारे पेपर लीक हो रहे हैं, ना कोई बोलने आ रहा है, ना कुछ करने आ रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, लोग बैठे पड़े हैं, कोई ना उनको सुनाई दे रहा है, लोगों को मार मार भगाया जा रहा है, ये कहाँ की बात है। जो युवा भविष्य के लिए अपना सारा टाइम दे रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा, खाली तुम दिखा रहे हो हमने ये दिया, इतना रोजगार देंगे, इतना रोजगार देंगे, हर साल आप बोलते हो चुनाव मामले में हम करोड़ों रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दिया कितना, इतने साल में आए आप हो, कितने फॉर्म भर गए और नौकरी कितनी दी ऑन द पेपर पर 7 लाख केवल दिया गया, और जबकि इनकी न्यूज़ थी कि हर 2 करोड़ हर साल दिया जाएगा, क्या दिया भाई, रेलवे में वैकेंसी आ रही 5,000, आप मतलब क्या दे रहे हो सबको, प्राइवेट कर रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो, दिखा रहे हो कि हमने रोजगार दिया, लेकिन मोदी जी तो ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे हैं ना, बस वही घूम घूम के बांट रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बस जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा उसको हाई फाई दिखा रहे हैं, हमने इतना पा गए, इतना दे रहे हैं, और जो इतने जा रहे हैं ना उन पर बात हो रही ना कुछ हो रही है, ना आप एक कानून बना सकते हो कि इतना जो बच्चा पढ़ रहा है पेपर लीक हो रहा है आप उस पर दीजिए, अब कुछ कड़ी कार्रवाई करिए, ज्ञान तो ले लिया ना दोबारा तो इससे क्या मतलब होगा, फिर करेगा इनके ही सरकार के लोग अगर कर रहे हैं तो फिर कैसे जांच होगा, ये आप जांच बैठाओ, आप उनको फांसी दो सबके सामने, तब बात होगी कि आपने कुछ किया ना, इस पे आप कानून बना रहे हो, आप कानून दुनिया भर बना दे रहे हो, ये कर दे रहे हो, वो कर दे रहे हो, फिर आप किस कौन पूछने वाला हो, महंगाई बेरोजगारी पर क्या बोलेंगे, सबसे बेकार है, महंगाई बढ़ी रही है, बेरोजगारी तो बहुत हाई फाई है यहाँ पे, बेरोजगारी पे एक भी बताइए कि इन्होंने कभी बेरोजगारी भी बोला है, सिर्फ चुनाव आएगा अभी बोलेंगे हम युवाओं के साथ हैं, भाई आपने क्या किया युवाओं के लिए, आप बस केवल दिखा रहे हो कि हमने ये किया वो किया, लेकिन आपने गिना दें कि ऑन द पेपर कितने नौकरी दे रहे हैं, कितना क्लियर पेपर हो रहा है, आप जो भी हो रहा है, जो आवाज़ उठाई जा रही है उसको मार्ग भगाया जा रहा है, आप प्रयागराज में देख लो अभी आरओ वाला लीक हुआ है लेकिन कोई सुनवाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे देखिए इतना पुलिस के पेपर लीक हुआ, कौन सुनवाई दिया है, कोई नहीं, इतने बच्चे वहाँ पे गए धरना दिए फिर जाके उनको फिर एग्जाम दिया गया, लेकिन आपने ये नहीं किया जिन्होंने किया, उनको कड़ी साजबाई दो, उनको NSA लगाओ जो भी है, उनको फांसी दो तो लगेगा ना कि आपने, लेकिन इनकी मिली भगत है भाई साहब, इसका कहना यही है कि आपके ही नेताओं ने किया है तभी आप जांच नहीं बैठा रहे हो। कि युवा अग्निवीर के बारे में क्या सोचता है, अभी काफ़ी चर्चे में अग्निवीर तो ठीक है, मैं उसका भी सपोर्ट करता हूँ क्योंकि अग्निवीर जो है पहले था, लेकिन अभी जो इस साथ लाया है कुछ परसेंटेज आ रहे हैं कुछ परसेंटेज जा रहे हैं तो एक तरह से उनकी सही है, लेकिन आप जो है बेरोजगारी हर साल लाओ, मतलब हर साल उसके बात करिए, मेन बात यही है कि आप युवाओं में बात करिए, युवाओं का आप जब चुनाव आता है तभी बात करते हैं, बेरोजगारी पर आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं और तो कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी दावा कर रहे हैं ना एक तरह से विकसित भारत बन चुका है, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं है, अभी विकासशील में ही जितना है अभी विकसित नहीं हो पाया है, जो 5 ट्रिलियन केवल दिखा रहे हैं ऑन गवर्नमेंट पे, ठीक है वो चीज़ें मोदी जी का मान सकते हैं, लेकिन मोदी जी ही हम उनकी जनता है तो हमारे युवाओं पे भी बात करिए, हमको केवल चुनाव के समय क्यों याद करते हैं, 5 साल कहाँ जाते हैं हम, कोई वैकेंसी इनकी 5-5 साल चलती है उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं ना आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ा तलिए, वो भी सब और पढ़ लिख के क्या किया जाए, सब लोग अगर पकौड़ा ही बेचेंगे तो खाने कौन आएगा भाई साहब, सब अगर पकौड़ा बेच लें एक साल, तुम्हारे तेल इतने जा रहे हैं, तुम्हारे हाई भाई जा रहे हैं तो कौन क्या करेगा, पर पढ़ाई लिखाई छोड़ दे तब फिर क्या किया जाए सबको, उस पर भी बात हो गया, फिर तेल भरो पकौड़ा बेचो समोसे खाओ और क्या किया जाए, सब लेबरगिरी करो, लेबरगिरी 24 में किसकी सरकार आएगी, अब ये तो जनता तय करेगी किसके आ रही है हिसाब से किसकी, अब ये तो जनता ही बताएगी क्या हो सकता है। मोदी जा रहा है, भाई साहब ने सही बात कही, पर्चा जो लीक हुआ, अगर 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 बीजेपी गवर्नमेंट ना होती तो ये बीजेपी वाले सड़क पर उपद्रव कर देते, आग जला देते और आज ये चुपचाप मूक दर्शक बने बैठे हैं, और इन्होंने बच्चों पर
जो पुलिस की धरना दे रहे थे उन पर लाठी भांजी है, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा है, इन्होंने इतना अन्याय करा है। और आपको बताओ ये इनकी चाल है, ये नौकरी वोकरी नहीं देने वाले, इन्होंने 60,000 नौकरी निकाल दी। पेपर लीक जो कराया ना, इन्होंने खुद कराया है, ये जांच नहीं करा रहे। ये क्यों कराया, इसके पे भी षड्यंत्र है, क्योंकि उसमें 50,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो ये क्या कह रहे हैं, 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ये इनकी देखो चाल क्या है, इनकी चाल ये है, ये कह रहे हैं इलेक्शन के बाद कराएंगे। तो वो जो 60 लाख परिवार हैं, नहीं, वो जो 60 लाख परिवार हैं, वो आस लगा के बैठेंगे कि उनको लाएंगे, वो दोबारा सरकार को लाएंगे, तो वो वैकेंसी निकालेंगे। तो 60 लाख का मतलब समझ रहे हो, हर घर में 5 वोट, तो 3 करोड़ नौकरी अपनी, 3 करोड़ वोट अपनी पक्की करी है उसके चक्कर में। तो मैं उन भाइयों से अनुरोध करता हूँ, ये नौकरी वोकरी कुछ नहीं देने वाले, ये लॉलीपॉप दिया है। अगर ये असली माँ बाप की औलाद है अपनी, ये उनकी जांच कराएं जिन्होंने पेपर लीक करा है। अगर ये जरा से काम पे बुलडोजर चला देते हैं, घर गिरा रहे हैं गरीबों के, ये उनके उन पे बुलडोजर चलाएं जिन्होंने पेपर लीक करा है, उनका नाम उजागर करें, उनके उनकी संपत्ति कुरक करें, उनकी संपत्ति नष्ट करें। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी चाल है, वो 3 करोड़ वोट के ऊपर इनकी नज़र है। बनते हैं ना, बहुत तकड़ा शासक हूँ मैं, बहुत बड़ा शासक हूँ। अबे कहाँ गई तुम्हारी ताकत, कहाँ गया तुम्हारा हार्डनेस, कठोरपन,